हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं चतुर्भागे क्लास नाइन्थ की दूसरे पाठ के प्रश्न उत्तर। आपका दूसरा पाठ है ल्हासा की ओर, जो कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा हुआ पाठ है और ये एक यात्रा वृत्तांत है। पाठ का एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पाठ में हम उसके सभी प्रश्न उत्तर देखें। प्रश्न उत्तर पढ़ने से पहले बच्चों एक बार रिवाइज करते हैं कि पाठ में क्या था। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप याद कर लें या आप अपने पास कॉपी में नोट कर लें तो आपको बहुत सुविधा होगी अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने में। तो ये पॉइंट्स देखिए, यात्रा वृत्तांत, पहला पॉइंट, यह एक यात्रा वृत्तांत है, यह आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? लेखक जब किसी यात्रा पर जाता है और वहाँ से आकर के वो अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखता है, घटना को सिलसिलेवार लिखते हैं, तो उसको हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। राइटर राहुल सांकृत्यायन है। तिब्बत की यात्रा कलिम्पोंग के रास्ते से थी। यहाँ लेखक अपने एक मित्र के साथ, सुमति के साथ, तिब्बत की यात्रा पर गए थे और रास्ता कौन सा था? कलिम्पोंग का रास्ता, क्योंकि उससे पहले और कोई रास्ता खुला हुआ नहीं था। यह आज़ादी से पहले की घटना है। जब वो गए होंगे तो उस समय वहाँ पर जाने का और कोई रास्ता नहीं था और अनुमति नहीं थी। हिंदुस्तान को, भारत के लोगों को वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं थी। नेपाल के लोग जो थे वो उसी रास्ते से जाया करते थे, भारत और नेपाल के लोग। रास्ते में उनको परित्यक्त किला मिला। परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ किला, जो था वो पुराना हो चुका था, उसको छोड़ दिया गया था, वीरान था वो। वहाँ पर चीनी सेना जो थी उसकी बहुत सारी चौकियाँ इनको रास्ते में दिखाई दी। इलाका कैसा था? वीरान था। वीरान पहाड़ियाँ थी। वीरान मतलब जहाँ कोई नहीं रहता, निर्जन। निर्जन पहाड़ियाँ थी, बर्फ़ से ढके हुए डांडे थे। डांडे तिब्बती भाषा में ऊँचे पहाड़ों को कहते हैं जो पूरी तरह से बर्फ़ से ढके होते हैं, उनको डांडे कहते हैं। भीटे, ये शब्द भी याद रखना है, ये भी तिब्बती भाषा में। टीले, टीले मतलब पहाड़ से छोटे, जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, टीले होते हैं, उनको भीटे भी कहा जाता है। वहाँ पर जो इनको मुख्य क्या देखने को मिला, वहाँ भेदभाव नहीं था, कोई छुआछूत नहीं थी, कोई ऊंच नीच नहीं थी, सबको एक जैसा व्यवहार सबके साथ होता था। औरतों में पर्दा प्रथा नहीं थी, वहाँ कोई औरतें किसी से पर्दा नहीं करती थी, सबसे अच्छे से बातचीत करती थी, सबका आदर सत्कार करती थी, मिलती थी, बात करती थी। सभ्य लोगों को घर में आने की अनुमति थी। जो सभ्य मतलब जो शिक्षित, पढ़े लिखे, अच्छे, वेल ड्रेस्ड लोग होते थे, उनको घर में आने की अनुमति होती थी। आप किसी के भी घर में, अपरिचितों को भी वहाँ आने की अनुमति होती थी। कोई ना बिना हम जानते नहीं, पर वो ठीक ठाक दिख रहा है, देखने में ठीक लग रहा है, कपड़े वपड़े ठीक पहने, सभ्य नजर आ रहा है, तो उसको घरों के अंदर यानी चौके तक भी जाने की अनुमति होती थी। वो अपने आप जाकर के वहाँ चाय खाना बना सकते। और किसको अनुमति नहीं होती थी? जो थोड़ा भिखारी जैसे दिखते थे, गंदे भिखारी, निम्न श्रेणी के भिखारी, उनको घरों में नहीं आने देते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चोरी डकैती का बहुत डर था, इसलिए उन लोगों को नहीं आने दिया जाता था। एक थुक्पा वहाँ की डिश थी, जिसमें अनाज का पाउडर करके उसको घोल करके और गरम करके पका के खाते थे, तो उसको सत्तू का पकाया हुआ पदार्थ, थुक्पा, ये शब्द याद रखेंगे। फिर एक छंग जो था वो नशीला पेय हुआ करता था पहाड़ों पर, जिसको कि शाम को वो लोग पीते थे काम से आने के बाद और उन नशे का आनंद लिया करते थे। उस समय उनकी बुद्धि खराब हो चुकी होती थी नशे में, और वो लोग मतलब ये पहचान नहीं कर पाते थे कि ये आदमी ठीक है या नहीं, ये भिखारी के वेश में या किस वेश में, क्योंकि उस समय वो नशे में होते थे। राहदारी, राहदारी एक पत्र होता है, अनुमति पत्र, जिससे कि आप दिखाने के बाद आप रास्ते को पार कर सकते हैं, पुल को पार कर सकते थे। हथियार का कानून नहीं था, यानी हथियार का कोई कानून नहीं था, कोई भी जो है वो हथियार रख सकता है, क्यों? वहाँ पर लूटपाट, डकैती, चोरी बहुत होती थी और हत्या हो जाती थी, तो लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार अपने पास रखते थे। चाय में नमक डालकर खाते थे और मक्खन डालकर पीते थे, ये आपको याद रखना है। और गंडा एक बौद्ध धर्म का धागा होता है, जिसको कि हाथ पर या गले में बांधा जाता है, वो उनकी आस्था का प्रतीक है। भरिया यानी कुली, जो सामान उठा के चलते थे वो उनको भरिया कहा जाता था वहाँ की भाषा में। जागीरदारी, अब आपको वहाँ की स्थिति का पता चलेगा कि वहाँ पर जमीन जो थी वो कैसे बटी हुई थी, जागीरों में बटी थी। बड़े बड़े जागीरदार थे, उनके पास अपनी जमीन होती थी जिसपे वो खुद खेती भी करते थे और लोगों से भी करवाते थे, और जब वो औरों से करवाते थे तो उसको बेगारी भी करवाते थे। बेगारी मतलब बिना मजदूरी दिए लोगों से मजदूरी अपना काम करवाते। वहाँ के रास्ते कैसे थे? बड़े कठिन रास्ते थे, दुर्गम रास्ते। दुर्गम मतलब जहाँ जाना कठिन हो, वहाँ कठिन रास्ते थे। पहाड़ों पर सब जगह रास्ते बड़े ही कठिन होते हैं। कठिन जीवन था, उनका जीवन भी बहुत कठिन था, बहुत आसान जिंदगी नहीं थी उनकी, क्योंकि पहाड़ों पर कहीं पर कहीं से कहीं तक जाना, कहीं चलना, कहीं सामान उठा के जाना, ये सब बहुत कठिन हो जाता। लेखक जो थे वो अपने एक सुमति मित्र के साथ गए और उन्होंने भिखारी का वेश धारण कर लिया था, जिससे कि कोई लूट मार इनके साथ ना हो।
और उस समय जब कोई इनको देखता और इनको डर लगने लगता तो ये अपनी टोपी उतार करके उसके आगे फैलाते और कहते कुची कुची एक पैसा दे, मतलब मुझे एक पैसा दे दो, मतलब हम भिखारी हैं। तो लोग इनको भिखारी समझकर इनके साथ लूटपाट नहीं करते थे कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं। कंजूर वहाँ की जो बौद्ध धर्म की पोथियाँ होती हैं, यानी पोथियाँ मतलब पुस्तकें जिसमें कि बौद्ध प्रवचन होते हैं, उनको कंजूर कहते हैं। वो वहाँ पर 15-15 किलो की बहुत भारी भारी किताबें इनको वहाँ मिली नमसे बौद्ध के यहाँ जब ये गए थे लेखक और उनके मित्र। तो ये कुछ बातें थी जो पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं और इन्हीं पर आपके उत्तर जो है वो इन्हीं में से शब्दों का प्रयोग करके आप अपने उत्तरों को लिख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं, पाठ्यपुस्तक के जो आपके पहले प्रश्न है उसको देखें। इनका पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका था, क्यों? पहले जब वो आए थे तो वो भद्र वेश में थे, भद्र मतलब सभ्य कपड़ों में थे, अच्छे ठीक ठाक दिख रहे थे, उस समय उनको किसी ने रुकने नहीं दिया, और आज जब वो भिखारी के वेश में आए थे तब भी उनको रुकने का स्थान मिल गया, इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। इसका कारण क्या था कि इनके कुछ संबंध थे जिसकी वजह से इनको रुकने की जगह मिली। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता है, बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। तो इनके दो कारण थे, जो इनके साथ सुमति गए थे वो उनकी पुरानी जान पहचान थी, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु थे, वो जाते आते रहते थे, तो इस वजह से इनको जगह मिल गई। दूसरा, शाम के समय पहुंचे तो लोग उस समय छंग के नशे में थे, तो उन्होंने ये ध्यान भी नहीं दिया कि ये भिखारी के वेश में है कि किस वेश में, और इनको रुकने की जगह मिल गई थी। तो आप ये दो कारण दे सकते हैं कि पहले उनको जगह नहीं मिली और अभी उनको जगह मिल गई थी। प्रश्न दो देखिए, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? अभी वहां पर हथियार का कानून नहीं था तो यात्रियों को किस बात का डर होता था? उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान को का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते, जैसे लोग लाठी लेकर चलते ऐसे कोई भी हथियार गन पिस्तल चाकू लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी, वरना ज्यादातर ऐसा होता है कि पहले लूट मार करी जाती है और फिर कोई विरोध करता है तो उसकी हत्या कर देते हैं डाकू। लेकिन वहां डाकू जो थे, क्योंकि उन सबके पास हथियार होते थे तो कहीं वो पलट के वार ना करें, हाँ डाकू लोग पहले मार देते थे, हत्या कर देते थे, फिर उनके पास देखते थे इसके पास क्या सामान है। तो हर समय जान का खतरा बहुत बना रहता था और वो निर्जन स्थान था, वहां कोई आता जाता नहीं था, इसीलिए डाकुओं के छुपने की बहुत अच्छी जगह वहां थी। तो आप ये कुछ पॉइंट बना करके आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते। लेखक लंकौर के मार्ग में अपने साथियों से किस तरह पिछड़ गया? जब ये लंकौर जा रहे थे तो ये अपने साथियों से पिछड़ गए थे, उसके क्या कारण थे? लेखक लंकौर के मार्ग में अपने साथियों से दो कारणों से पिछड़ गए थे। एक तो उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, उनका घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था, और फिर वो गलत रास्ते पर चले गए थे, मतलब दाहिने जाना था तो बाएं चले गए थे, तो इसलिए वो बहुत आगे चले गए, फिर उनको वापस लौट के आना पड़ा, तब वो उस जगह पर पहुंचे तो अपने साथियों से ये बिछड़ गए थे। ये आप दो कारण दे सकते हैं। प्रश्न चार देखें, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? पहली बार जब सुमति ने इनसे कहा कि मैं जरा अपने यजमानों के पास होके आता हूँ, उनको वो गंडा देकर आता हूँ, तो इन्होंने उनको जाने नहीं दिया। नहीं नहीं, तो उन्होंने बोला अरे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, और उनको नहीं जाने दिया। लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने जाने की बात करी तो उन्होंने खुशी खुशी जाने दिया, तो इसका क्या कारण था? लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं, सुमति उनके पास जाकर बोध गया कि गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े को गंडा देकर दक्षिणा वसूल करते हैं। लेखक को पता था कि ये कोई भी कपड़ा लेकर के और वहां के लोगों के पास जाएगा और कहेगा ये तो मैं बोध गया से लाया हूं और उनसे पैसे वसूलेगा, तो उन्होंने उनको जाने से मना कर दिया और इस काम में उसको एक हफ्ता लग जाएगा, इसीलिए मना कर दिया। दूसरी बार मना नहीं किया क्योंकि वो पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त थे। अभी वहां उनको वो कुंजर जो पुस्तकें मिल गई उसको पढ़ने में वो व्यस्त हो गए, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ, तब तक होकर आओ, तब तक मैं एक पुस्तकें पढ़ता हूँ। प्रश्न पांच देखें,
अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अभी जब पहाड़ी इलाके में जब हम यात्रा करते हैं तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो लेखक को भी करना पड़ा और वो तो बहुत पुरानी बात थी। तो अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलकर रास्ता भटक गए, दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा, बहुत तेज धूप में सीधी धूप में चलना पड़ा, अपना सामान स्वयं उठाना पड़ा क्योंकि उनको कोई भरिया नहीं मिला, भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। तो इस तरह की बहुत सी कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ा अपने मंजिल तक पहुंचने में। प्रश्न 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। अभी ये जो यात्रा आपको बताई गई, ये बताने का उद्देश्य ये है कि आपको तिब्बत के समाज के बारे में पता चल सके। तो अब आपको बताना है कि तिब्बत का समाज कैसा था। इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। अभी हमको बहुत सी बातें पता चली कि वहां कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी, कोई अजनबी भी आता था तो महिलाएं उनके सामने चली जाती थी और उनको चाय बनाकर दे देती थी। यहां तक कि अपरिचितों को घर में भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर, बिल्कुल लोअर कैटेगरी जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते थे, उनके अलावा कोई भी अगर वहां आता था तो उनको लोग घर में आने जाने की अनुमति दे देते थे। पुरुष वर्ग शाम के समय छंग पीकर मदहोश रहते थे। और समाज कैसा था? वहां समाज का एक नियम जैसा था कि काम करके आते थे थक हार करके, और पुरुष वर्ग जो है शाम को छंग पेय पदार्थ पीता था, उसमें नशा होता था। वे गंडों के ऊपर अवगाध विश्वास रखते थे। अभी वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था, बौद्ध धर्म में आस्था थी और गंडों पर उनका बहुत अधिक विश्वास था। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था और वहां पर कुछ अंधविश्वास भी फैला हुआ। आप इसमें और कुछ भी लिख सकते हैं समाज के बारे में कि वहां पर हद कोई कानून नहीं था, लूटमार बहुत थी, लोग अपने बचाव के लिए हथियार को हमेशा अपने पास रखते थे। आप इस तरह से पॉइंट बनाकर अंकों के अनुसार उत्तर दें। 2 अंक का प्रश्न है अगर तो आप 2 या 3 पॉइंट बना दें, 3 अंक का प्रश्न है तो 3 से 4-5 पॉइंट बना दें। जितने अंकों का प्रश्न है उतने पॉइंट तो कम से कम आपके उत्तर में होने ही चाहिए, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और मुख्य बातें पहले लिखिए, बाकी जो थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है उनको बाद में। प्रश्न 7, मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है। अभी यहाँ पर मैं पुस्तकों के भीतर था, यहाँ एक वाक्य कहा गया, तो पुस्तकों के भीतर का मतलब क्या है? आपको इनमें से 4 में से एक सही उत्तर चाटना है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छिपा था। तो इसका उत्तर है का, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, वो इतने लीन हो गए कि वो उस समय पुस्तकों के भीतर थे, मतलब वो पुस्तकों में बिल्कुल लीन हो चुके थे, पढ़ने में रम गए थे। प्रश्न 8, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। सुमति जो था उनका मित्र, उनके यजमान, मतलब यजमान जिनके घर वो जाया करते थे, ये तो बौद्ध भिक्षु थे, तो जब पंडित जिसके घर जाता है उसको यजमान कहते हैं, तो जिनके होस्ट जिनके घर ये जाया करते थे वो इनको हर गांव में मिले, यानी उनके परिचित बहुत थे, इसीलिए इनको रुकने की जगह बहुत आसानी से इस बार मिल गई थी। लगभग हर गांव में मिले, इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि सुमति का व्यक्तित्व कैसा था, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, उसको बताना है। तो सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे सुमति मिलनसार और हसमुख व्यक्ति थे, मिलनसार होंगे, सबसे मिलते जुलते थे और हंसते बोलते होंगे तभी लोग उनको पसंद करते थे। उनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था, मतलब बहुत जान पहचान थी उनकी। सुमति अपने यजमानों को बोधगया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे, वो अपने यजमानों के लिए बोधगया से ला करके गंडे दिया करते थे और उनसे दक्षिणा भी लेते थे। सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे और कभी कभी वो अनुचित लाभ भी उठाते थे, वो कपड़ा कहीं से भी लाते थे, कैसा भी गंडा बना के दे देते थे और बोल देते थे बोध गया के। वहां के लोग इतने अंधविश्वासी थे कि वो जो वो कहते थे उसको मान लेते थे, तो ये कभी कभी अनुचित लाभ भी उठा लेते थे, पर इसकी खबर लोगों को नहीं लगने देते थे। वो बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे, वो जो सुमति थे उनकी भी बौद्ध धर्म में बहुत गहरी आस्था थी। तो ये कुछ उनके पॉइंट्स हैं जो उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको इस पार्ट में पता चले। प्रश्न 9, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से ये उचित है या अनुचित, विचार व्यक्त करें। अभी लेखक कह रहा है कि जैसे कि वो निम्न श्रेणी के
जो भिखारी होते थे उनको घरों में आने की अनुमति नहीं देते थे। उस समय जिस समय ये पहुंचे ये भिखारी के वेश में थे, तो उनका जो वेश था उसके हिसाब से तो लोगों को बिल्कुल भी इनको अंदर आने नहीं देना चाहिए था, पर फिर भी आने को मिला। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या वेशभूषा से हमारा हमारे प्रति व्यवहार किसी का उचित होना अनुचित होना ये ठीक है कि अगर हमने अच्छे कपड़े पहने हैं तो हमसे अच्छा व्यवहार किया जाए, अगर हमारे पास कपड़े अच्छे नहीं हैं या हम ठीक से तैयार नहीं तो हमारे साथ खराब व्यवहार करें, क्या ये बात सही है? तो इसका उत्तर देखिए, यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे धुतकारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। ज़्यादातर जो हमारे समाज का नियम है वो यही है कि अगर आप ठीक ठाक अच्छी तरह से ड्रेस्ड हैं तो लोग आपको सम्मान करते हैं, और आप ऐसे फटे हाल होंगे तो आपका सम्मान नहीं होता बल्कि धुतकार दिया जाता है, मतलब हटो हटो आगे जाओ, क्योंकि हम उनको भिखारी जो कम है उनको हम सम्मान कम देते हैं। तो एक तरीके से ये बात ठीक नहीं है। कोई जिसने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं वो भी एक अच्छा इंसान हो सकता है, उसका दिल बहुत साफ हो सकता है, वो बहुत बड़े पुण्यात्मा हो सकता है, उसने बहुत अच्छे काम किए हो सकते हैं। कोई बहुत सूटेड बूटेड आए और अंदर से वो चोर डाकू निकल सकता है। तो कपड़ों से हमें किसी के व्यक्तित्व का अनुमान लगाना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, लेकिन मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं और पूज्य होते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है, उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। लेकिन ये अनुचित है, लेकिन फिर भी हम जब आंखों से देखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या दिखता है, हमें ड्रेसिंग दिखती है कि उसने क्या पहना हुआ है, वो कैसा दिख रहा है, उसके बाद फिर हमें उसकी बोलचाल बातचीत सुनाई देती है। तो इसीलिए आप बहुत अच्छे महंगे कपड़े होने की ज़रूरत नहीं है, पर आप ठीक ठाक साफ सुथरे अच्छी तरह से तैयार होंगे, कपड़े पहने हुए होंगे, तो आपका प्रभाव किसी पर भी पहला प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो ये बात कुछ हद तक सही भी है, जबकि ये बात पूरी तरह से उचित नहीं है कि हम कपड़े देख करके किसी के साथ उसके साथ सम्मान या उसका असम्मान करें। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें, वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। अभी ये हमने यात्रा वृत्तांत पढ़ा और अब आपको तिब्बत के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है। तिब्बत की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल सिचुएशन जो थी वहाँ की, उसको आपको बताना है। आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ से कैसे भिन्न है वो बताना है। तो यात्रा वृत्तांत से ज्ञात हुआ कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है। नेपाल और भारत की सीमा से लगा हुआ देश है, जहाँ कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर है, हाइट बहुत है। यहाँ 17-18 हज़ार फीट ऊंचे डांडे यानी पहाड़ हैं जो निर्जन हैं और खतरनाक हैं। ये डांडे नदियों के मोड़ और पहाड़ की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे, बहुत ऊंचा नीचा, बड़ा भीहड़ रास्ता है। यहाँ एक ओर हजारों बर्फ से ढके श्वेत शिखर हैं तो दूसरी ओर भीटे या टीले भी हैं। एक तरफ तो बहुत बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी है और एक तरफ छोटे टीले भी हैं जिन पर हरियाली है, जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। विशाल मैदान भी हैं, अच्छा बड़े बड़े मैदान भी हैं वहाँ पर, पहाड़ों के ढकेरे हुए चारों तरफ पहाड़ और बीच में बहुत बड़े बड़े मैदान भी हैं जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ की विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुंह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। मतलब वहाँ की जलवायु कैसी है कि अगर सूरज सीधा है और सूरज की तरफ आप देख रहे हैं तो आपके सर ये जलने लगेगा सूरज की गर्मी से, और पीछे जहाँ पर आपके सूरज की रोशनी नहीं आ रही वहाँ ठंड से एकदम सिकुड़ने लग जाएगा। तो मतलब गर्मी है तो भी इतनी तीखी वाली गर्मी, और ठंड है तो वो भी वो चुभने वाली ठंड। तो ऐसी वहाँ की स्थिति, यह स्थिति हमारे राज्य शहर में पूरी तरह भिन्न है। अभी आपका राज्य शहर कैसा है उसके बारे में लिख दीजिए और लिखिए कि ये हमारा बिल्कुल हमसे भिन्न है यहाँ की भौगोलिक स्थिति। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी, यात्रा के दौरान यह अनुभवों को लिख कर प्रस्तुत करें। प्रश्न 11, तो अब आपके अगर इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए तो आप अपनी किसी भी यात्रा का वर्णन यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 12 देखिए, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है, आपकी इस पाठ्यपुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा उनसे किस मायने में अलग है। अभी आप जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपकी जो क्षितिज पुस्तक है उसमें आपके जो पाठ हैं वो कई तरह की विधाओं पर आधारित हैं, और ये वाला पाठ आपका यात्रा वृत्तांत है। तो आपसे पूछा गया है कि वो किस तरह से अलग है उन विधाओं से। तो अभी आपने इससे पहले पढ़ी दो बैलों की कथा, वो कहानी विधा थी, ये पढ़ रहे हैं यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद आप उपभोक्तावाद की संस्कृति एक निबंध पढ़ेंगे, उसके बाद है सांवले सपनों की याद, वो संस्मरण है। नाना साहब की पुत्री देवी, ये रिपोर्टाज है। प्रेमचंद के फटे जूते एक सटायर है, एक व्यंग है। मेरे बचपन के दिन एक संस्मरण है।
एक कुत्ता एक मैना, ये निबंध है। तो आप जो पढ़ेंगे अपने पाठ में, वो बहुत तरह की विधाएं आप इसमें पढ़ेंगे। अन्य यह पाठ अन्य विधाओं से इसलिए अलग है क्योंकि ये यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक द्वारा तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया गया है। उनकी यात्रा का अनुभव है, ना कि मानव चरित्र का चित्रण जैसा कि अन्य विधाओं में होता है। अभी इस विधा में क्या है, केवल यात्रा का वर्णन किया गया है। अभी बच्चों आपका जो भाषा अध्ययन है उसमें देखिए प्रश्न 13। किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। मतलब आप एक ही बात को कई तरीके से बता सकते हैं। तो नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उनको आप अलग अलग तरीके से लिखना है। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब ये घोड़े पे चल रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था, इतने धीमे चल रहा था कि वो आगे जा रहा है कि पीछे, समझ नहीं आ रहा था। तो आप उसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, पता नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जान नहीं पड़ता को बदल सकते हैं, पता नहीं चलता था। कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था घोड़ा पीछे जा रहा है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप अपनी बात को, एक ही बात को कई तरीके से हम व्यक्त करते हैं। प्रश्न 14 देखिए। ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। आंचलिक जो लोकल लैंग्वेज होती है वो उस अंचल की विशेष भाषा होती है, कुछ शब्द होते हैं तो उसको आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढ कर लिखिए। भाई आपने बहुत सारे शब्द पढ़े होंगे जैसे भरिया, छंग, फरी, कलिंगपोंग, चोकी, डांडा, थुप्पा, कंजुर, ये सब शब्द जो आपने पढ़े हैं ये वहाँ की भाषा के शब्द हैं। हम इनको अपनी भाषा में दूसरी तरीके से बोलते हैं। तो ऐसे कुछ शब्दों को पाठ से छांट कर लिखना है। प्रश्न 15। पाठ में कागज अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। कुछ संज्ञा शब्दों के आगे कुछ विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ पाठ में से छांट कर विशेषण शब्द लिखने हैं। तो आप अपना लेसन पढ़ेंगे और विशेषण शब्दों को लिख देंगे। विशेषण आपको पता है किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, मुख्य, व्यापारिक, सैनिक, फौजी, चीनी, बहुत से, परित्यक्त, परित्यक्त किला, टोटीदार, सारा, दोनों, आखिरी, अच्छी, भद्र, गरीब, विकट, निर्जन, हजारों, श्वेत, बिल्कुल, नंगे, सर्वोच्च, रंग बिरंगे, थोड़ी, गर्मा गर्म, विशाल, छोटी सी, कितने ही, पतली पतली चिरी, बत्तियां, ये सब शब्द जो है वो संज्ञा से पहले लगा करके विशेषता बताई गई है। ये सभी विशेषण शब्द हैं। अभी इस तरह से तो परीक्षा में नहीं आता, परंतु आपको दो पंक्तियां दी हैं उनमें से कहा जाएगा कि आप इसमें से विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं और उनको छांट कर आप अपने उत्तर में लिखेंगे। आज आप प्रश्न 16 है, यदि आज के समय में तिब्बत की यात्रा की जाए तो यह यात्रा राहुल जी की यात्रा से पूरी तरह भिन्न होगी, तो कैसी होगी ये यात्रा आपको बताना है। तो कैसी होगी, ये बिल्कुल अलग होगी। 1930 में तिब्बत में आना जाना आसान ना था, यहाँ राजनीतिक कारणों से जो था वो प्रतिबंध था। आज उचित पासपोर्ट के साथ आसानी से यात्रा की जा सकती है। अगर आपके पास आपका पासपोर्ट हो तो आप तिब्बत में जा सकते हैं। अब भिखमंगे के वेश में यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यात्रा के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अभी रास्ते हैं, वहां पर जाने के लिए आपकी यातायात भी है, रुकने की व्यवस्था भी है, किसी के घरों में रुकने की आवश्यकता नहीं है, ना वैसा वेश धारण करने की आवश्यकता है। आपको भरिया या कुली या ट्रॉली भी आपको मिल जाएगी। तो आज की यात्रा अगर हम तिब्बत की करें और पहले की यात्रा में बहुत अंतर है। आज की यात्रा बहुत सुखद हो सकती है। बच्चों कुछ छोटे छोटे प्रश्न देखिए। लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी और क्यों। अब ये बहुत छोटे और साधारण प्रश्न है, आपको पता है, आप आराम से लिख सकते हैं। तिब्बत की यात्रा भिखमंगों के वेश में की थी। क्यों, क्योंकि वहां पर यात्रा पर प्रतिबंध था और इसके अलावा डांडे जो थे वो खतरनाक जगह थी जहां पर डाकू इसी वेश में, डाकुओं से अगर अपनी जान बचानी थी तो इसी वेश में बचा सकते थे। अगर आप सभ्य लोगों के रूप में जाएंगे तो वो आपको लूटपाट करेंगे और आपकी जान का भी खतरा था, इसीलिए वो उन्होंने भिखारी के वेश में यात्रा की थी। प्रश्न 2 है, तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने क्या क्या नए अनुभव प्राप्त किए। अब क्या क्या नया देखा वो सब आप यहाँ लिख देंगे। तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने पाया कि वहाँ के समाज में छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी बुराइयाँ नहीं थी। वहाँ औरतों को अधिक स्वतंत्रता मिली है, लोगों में छंग पीने का रिवाज है, बौद्ध धर्म के अनुयायी तिब्बती अंधविश्वासी भी हैं। ये बहुत सी बातें हमें पता चली। प्रश्न 3,
बट में यात्रियों के लिए कौन सी अच्छी बातें हैं? अभी क्या अच्छा लगा यात्रियों के लिए, जो लोग जर्नी करते हैं, घूमने जाते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है? तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी अच्छी बातें हैं। लोगों का मूड ठीक होने पर आसानी से रहने की जगह मिल जाती है। मतलब अगर लोग वहाँ के अच्छे लोग हैं, उनका अगर मूड ठीक ठाक है, तो आपको रहने की अच्छी जगह मिल जाती थी। औरतें चाय बनाकर दे देती थी, ये उस समय की बात ही पूछी जा रही है। वहाँ घर आसानी से जाकर आप आंखों के सामने चाय भी बना सकते हैं। महिलाएं भी आतिथ्य सत्कार में रुचि लेती हैं। आप किसी के भी घर जाएंगे तो आपका स्वागत होगा। तो ये सब बातें वहाँ की यात्रा में अच्छी थी, जो आपने पाठ में पढ़ी। आज की बात नहीं पूछी जा रही है। बट में उस समय यात्रियों के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ थी? अभी उस समय क्या क्या कठिनाइयाँ थी वो आप पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। यात्रा करने पर प्रतिबंध था, ऊंचे नीचे स्थानों पर आना जाना कठिन था, भरिया ना मिलने पर सामान उठाकर चलना पड़ता, जो बड़ा कठिन हो जाता था। डाकुओं के कारण जानमाल का खतरा बना था। वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी थी कि सूरज की रोशनी भी छुपती थी और ठंड जो थी वो भी छुपती थी। तो ये बहुत सारे कठिनाइयाँ थी जो हमें तिब्बत की यात्रा में लेखक को झेलनी पड़ी। प्रश्न 5, डांडे क्या है, वे सामान्य जगहों से किस तरह भिन्न है? अभी आपको पता है डांडे सबसे खतरनाक जगह है। ये 17-18 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आसपास गांव ना होने के कारण डाकुओं का भय सदा बना रहता है। डांडे ऊंचे पहाड़ जो बर्फ से ढके होते हैं, उनको डांडे कहा जाता है। तो आप इतनी सारी बातें डांडे के बारे में लिख सकते हैं। डांडे के देवता का स्थान कहाँ था, उसे किस प्रकार सजाया गया था? अभी डांडा ऊपर हाइट पर, वहां पर डांडे के देवता थे, उनका स्थान था सबसे ऊंचाई पर। वो कैसे सजे हुए थे? डांडे के देवता का स्थान सर्वोच्च स्थान पर था। उसे पत्थरों के ढेर, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों, जानवरों के सींगों आदि से सजाया गया था। तो कैसे? रंग बिरंगे पत्थर ले आते थे, रंग बिरंगे कपड़े ले आते थे, उनसे सजा देते थे, झंडियां लगा देते थे, और जानवरों के जो सींग होते थे, उनको जो जानवर मर जाते थे या शिकार करने के बाद जो सींग होते थे, उनसे वो अपने देवता के मंदिर को सजाते थे। तो ये बिल्कुल एक विचित्र बात है। लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहा था, वहां के किलों को परित्यक्त क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि वो छोड़े हुए थे। परित्यक्त का अर्थ है छोड़ा हुआ। लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहा था, वहां किले बने थे। इन किलों में कभी चीनी सेना रहती थी। आज ये किले देखभाल के अभाव में गिरने लगे थे, मतलब टूट रहे थे, खंडहर हो गए थे। कुछ किसानों ने आकर यहाँ बसेरा बना लिया है, इसीलिए उन्हें परित्यक्त कहा गया। अभी कुछ किसान जो थे वो आकर के वहां रहने लग गए थे, लेकिन वैसे सेना ने उन किलों को छोड़ दिया था, इसीलिए उनको परित्यक्त किला कहा गया। यात्रा करते समय लेखक और उसके साथियों ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचाई? जब ये यात्रा कर रहे थे तो लेखक ने और सुमति ने कैसे जान बचाई? इसके दौरान जब डांडे जैसी खतरनाक जगहों पर भिकमंगों का वेश बनाकर यात्रा की और डाकुओं जैसे किसी को देखते, अगर डाकू जैसा कोई दिखाई देता तो तुरंत अपनी टोपी उतार करके कुची कुची एक पैसा बोलते, कहकर यह बताता कि वह भिखारी है, जिससे कि उनको लगे कि ये तो बिल्कुल भिखारी है, इनके पास कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। प्रश्न 9 देखिए, तिब्बत में डाकुओं को कानून का भय क्यों नहीं है? अभी डाकुओं को डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां कोई कानून नहीं है। तिब्बत में हथियार का कानून ना होने से डाकुओं को हथियार लेकर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती। यदि वे किसी की हत्या कर देते हैं तो सुनसान इलाकों में पता भी नहीं चलता और हत्या का कोई गवाह भी नहीं मिलता और वे आसानी से बच जाते हैं। मतलब अगर वो आराम से निर्जन स्थानों पर हत्या करके और निकल जाते थे, कोई देखने वाला नहीं था, सरकार भी जो थी वो इस तरफ से बिल्कुल खबर थी, इसीलिए वहां पर उनके लिए बहुत आसानी थी डाकुओं की और उनको किसी तरह के कानून का कोई डर नहीं था। कंजूर क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। कंजूर आपको पता है बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित प्रतियां हैं। बुद्ध बौद्ध धर्म के जो प्रवचन है उनकी हाथ से लिखी हुई हस्तलिखित अनुवादित ट्रांसलेट की हुई प्रतियां रखी हुई हैं, उनको कंजूर कहा गया। यह मोटे कागजों पर सुंदर अक्षरों में लिखी गई हैं। अब यह एक मोटा कागज होता है जिसके ऊपर बहुत सुंदर लिखाई में लिखा गया है। ये प्रतियां भारी हैं, भारी भारी पुस्तकें हैं। इनका वजन 15-15 सेर तक है, मतलब 15 किलो के करीब की ये किताबें हैं, इसको की लेखक ने पढ़ा। कुछ और भी प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट। तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है, स्पष्ट कीजिए। अभी आपको तिब्बत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको भी लिखना है। प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी, भौगोलिक ज्योग्राफिकल जो उसकी सिचुएशन है उसके बारे में, तो जैसा पूछा जाए वैसा उत्तर आप देंगे। तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है। यह सुंदर एवं मनोहारी घाटियों से घिरा पर्वतीय क्षेत्र है। एक ओर हरी हरी भरी घाटियां हैं और हरे भरे सुंदर मैदान हैं, तो दूसरी ओर ऊंचे पर्वत हैं, इनके शिखर पर बर्फ जमी है। वहीं कुछ भीटे जैसे स्थान हैं जिन पर कम बर्फ दिखाई देती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कोने और नदियों के मोड़ इस खूबसूरती की
की और भी इसकी खूबसूरती और भी बढ़ाते हैं। यहाँ की ठंडी जलवायु इसके सौंदर्य में वृद्धि करती है। आप ये सब बातें लिख सकते हैं। सुमति लोगों के धार्मिक आस्था का अनुचित फायदा किस तरह उठाते थे, अभी आपको वो कहानी लिख देनी है कि सुमति मिलनसार हसमुख व्यक्ति थे। वे तिब्बत में धर्म गुरु के समान माने जाते थे, लोग उनको धर्म के गुरु मानते थे। सुमति बोध गया से कपड़े लाते और उन्हें पतले पतले आकार में फाड़कर गांठ लगाकर गंडा बना देते थे। इन गंडों को वे अपने यजमानों में बांटकर दक्षिणा के रूप में धन लिया करते थे। बोधगया से लाए ये कपड़े जब खत्म हो जाते तो वे लाल रंग के किसी भी कपड़े का गंडा बनाकर यजमानों को बांट देते थे और दक्षिणा ले लेते थे। इस तरह वे लोगों की धार्मिक आस्था का अनुचित फायदा उठा। अपने खेती की जमीन की क्या स्थिति थी, ल्हासा की ओर पाट के आलोक में स्पष्ट कीजिए। अभी तिब्बत में खेती की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जमीनों का एक बड़ा हिस्सा जागीरों के मठों के हाथ में था। जो मठ थे उनके हाथ में ये बहुत सारी जमीन इनके पास थी। अपनी अपनी जागीर में से हर जागीरदार खुद भी कुछ खेती कराता था। इसके लिए उन्हें मजदूरों को मेहनताना नहीं देना पड़ता था। अब ये अपनी ही जमीन पर खेती कराते थे जिसमें ये मजदूरों को कोई मेहनताना कोई कीमत नहीं देते थे, बेगार काम करवाते थे। खेती का इंजाम देखने के लिए जिन भिक्षुओं को भेजा जाता जो जागीर के आदमियों के लिए राजा जैसा होता था। अभी भिक्षु जो होते थे वो जाते थे, बिल्कुल राजा की तरह उनको माना जाता था और वो जाके अपनी जागीरों की देखभाल करते थे। इन भिक्षुओं और जागीरदारों पर ही खेती करवाने की जिम्मेदारी होती थी और इन भिक्षुओं पर ही उस जमीन की जिम्मेदारी होती थी खेती करवाने की। ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं ये राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा हुआ जो उनकी पहली तिब्बत यात्रा है उसका एक अंश है। और तिब्बत की जो राजधानी है ल्हासा, वहाँ इनको जब जाना था तो जो रास्ते में इन्होंने जो जो अनुभूति करी, जो जो अनुभव किया, उसको उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो आपके पाठ का नाम है ल्हासा की ओर। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है, तिब्बत पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ की जो उन्होंने यात्रा करी उसका छोटा सा अंश आपने यहाँ पर पढ़ा। यहाँ पर इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें थी वो आपने सब पढ़ी। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर भी हमने पढ़े और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। तो आई होप आपको सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले पाठ के साथ।